हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंक्रीज और डिक्रीज एस परसेंट। तो इस पे सम करने के पहले हम समझते हैं कि इंक्रीज क्या होता है, डिक्रीज क्या होता है, और इसके जो फॉर्मूले हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन से फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट है आपका हैंड सैनिटाइज़र। अब ये जो हैंड सैनिटाइज़र जो था, पहले जब कोरोना नहीं था तब फॉर एग्ज़ाम्पल ये 100 रुपीज़ का मिलता था। एक बॉटल कितने की आती थी आपकी? 100 रुपीज़ की आती थी। बट जैसे ही कोरोना आया, देन ये जो प्रोडक्ट है, ये जो 100 रुपीज़ का, वो कितने में हो गया? 120 में, क्योंकि इसका स्टॉक एकदम क्या था? कम था उस टाइम। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, अब सभी ने देखा कि मार्केट में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है वो कौन सा बिक रहा है? हैंड सैनिटाइज़र। तो उन लोगों ने क्या किया कि हर कंपनी इसमें इन्वेस्टमेंट करने लगी और हर कंपनी इस प्रोडक्ट को बनाने लगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इतना हो गया कि अब कंपनी में कंपटीशन के कारण जो 100 रुपीज़ का सैनिटाइज़र था वो कितने रुपीज़ में बिकने लगा? 80 रुपीज़ में। तो यहाँ पे देखो, 100 रुपीज़ का जो प्रोडक्ट था पहले कितने में बिक रहा था? 120 में। मतलब यहाँ पे 20 रुपीज़ प्राइस क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है। और जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वही 100 रुपीज़ का जो हैंड सैनिटाइज़र है उसकी प्राइस 20 रुपीज़ क्या हो गई है? डिक्रीज़ हो गई है। तो ये था हमारा इंक्रीज़ और डिक्रीज़। अब हम देखते हैं कि अगर हमको इसको परसेंटेज में बताना हो, मतलब हमको परसेंट इंक्रीज़ बताना हो या हमको क्या बताना हो, परसेंट डिक्रीज़, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक बेसिक फॉर्मूला है। इसमें आपको क्या करना है, ऊपर रखना है अमाउंट ऑफ चेंज, मतलब कितना अमाउंट चेंज हुआ, अपॉन में आएगा आपका बेस, मतलब पहले वाला प्राइस, मतलब पहले कितना प्राइस था या पहले कितना था, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपका कितना हो जाएगा? 100। तो हम इसी एग्जांपल को देखते हैं कि परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे पहले प्राइस 100 था, बढ़ के कितना हो गया? 20। तो चेंज कितने का हुआ? 20 का। तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना? 20। बेस पहले प्राइस कितनी थी? 100 मल्टीप्लाई बाय आपका परसेंटेज, तो 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो मतलब 20% प्राइस यहाँ पे क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। तो ये था हमारा इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे लिखा है फाइंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब हमको ये बताना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है और कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन ये है कि प्राइस ऑफ शर्ट, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है? शर्ट है, जिसका प्राइस क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। मतलब ये जो शर्ट है पहले कितने रुपीज़ का था? 80 रुपीज़ का था, अब डिक्रीज होके इसके पैसे कितने हो गए? 60 रुपीज़। मतलब जो पहले वाली प्राइस थी शर्ट की वो कितनी थी? 80 रुपीज़, जो डिक्रीज होके कितनी हो गई? 60 रुपीज़। तो यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ चेंज कितना आया, मतलब कितना पैसे कम हो गए। तो कितना कम हो गए? आपके 80 रुपीज़ पहले थे, अभी कितने हैं? 60। तो मतलब 20 रुपीज़ का क्या आया है? चेंज आया है। बेस मतलब आपका पहले वाला प्राइस, पहले वाला प्राइस कितना था? 80 रुपीज़ था, तो बेस कितना हो गया हमारा? 80 रुपीज़। तो हमको देखो यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, क्योंकि मनी क्या हुए हैं? डिक्रीज हुए हैं। तो परसेंट डिक्रीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन में बेस मल्टीप्लाई बाय 100। तो अमाउंट ऑफ चेंज कितने रुपीज़ का? 20 का। बेस कितना है? 80। मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया? 100। तो 0 से 0 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 400 को कट कर लो, कितना आ जाएगा? 25। तो मतलब 25% क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड वाला पार्ट। यहाँ पे दे रखा है मार्क्स इन अ टेस्ट, तो मतलब हमको यहाँ पे टेस्ट के क्या है? मार्क्स है, और ये जो टेस्ट के मार्क्स है पहले कितने आए थे? 20। मतलब पहले जो स्टूडेंट थे उसके 20 मार्क्स आए थे, अब इंक्रीज होके कितने हो गए? 30। मतलब यहाँ पे उसके मार्क्स क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। तो अगर मार्क्स बढ़े हैं तो हम क्या निकालेंगे? परसेंट इंक्रीज। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि चेंज कितना है। तो अमाउंट ऑफ चेंज इन मार्क्स, मतलब मार्क्स में कितना चेंज आया है? 30
-20, मतलब 10 मार्क्स क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। अब हमको क्या बताना है परसेंटेज में। अब जो बेस है, मतलब पहले कितने मार्क्स आए थे, तो पहले कितने आए थे आपके 20 मार्क्स आए थे, तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज। तो फॉर्मूला वही लगेगा, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन में बेस मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आपका 100। तो चेंज कितने का हुआ आपका 10 मार्क्स का, बेस कितना है आपका 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 100, तो बचा क्या आपका 10 × 5, मतलब 50% मार्क्स उसके क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें गिवन है अ स्कूल टीम वॉन 6 गेम्स दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम्स वॉन लास्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको गेम्स दे रखे हैं और उन्होंने जो गेम्स है क्रिकेट टीम ने क्या करे हैं, जीते हैं। तो हमको यहाँ पे एक तो लास्ट ईयर का दिया हुआ है कि लास्ट ईयर में कितने जीते थे, और दिस ईयर का दिया हुआ है कि इस साल उन्होंने कितने मैच जीते। तो लास्ट ईयर जो उन्होंने मैचेस जीते थे वो कितने जीते थे, 4, और जो इस साल उन्होंने मैचेस जीते कितने हैं, 6। तो हमको ये बताना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले तो 4 जीते थे, बाकी इस साल कितने जीते हैं उन्होंने, 6 मैचेस जीते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ चेंज कितना आया, मतलब उन्होंने इस साल कितने मैचेस ज़्यादा जीते। तो इस साल उन्होंने 6 जीते, पिछले कितने थे, 4, तो 6 - 4 कितना हो गया, 2, मतलब 2 मैचेस का क्या आया है, चेंज आया है विनिंग में। अब बेस, पहले कितने जीते थे उन्होंने, 4, तो बेस में कितना आ जाएगा आपका, 4। तो हमको यहाँ निकालना है परसेंटेज इंक्रीज। तो जब परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन में बेस मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आपका 100। तो अमाउंट ऑफ चेंज कितने का आया, 2 का, बेस कितना है, 4, मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया आपका 100। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और 2 से कट कर दो कितना आ जाएगा, 50। तो यहाँ पे 50% का क्या आया है, चेंज आया है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दिया हुआ है द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्संस इन अ कंट्री, मतलब हमको यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ इलिटरेट पर्संस इन अ कंट्री डिक्रीज्ड फ्रॉम 150 लैक्स, मतलब पहले जो इलिटरेट पर्सन थे वो कितने थे, 150 लैक्स थे, अब वो डिक्रीज होके कितने हो गए हैं, 100 लैक्स, मतलब 10 ईयर्स के अंदर 50 लैक्स लोग क्या हो गए, लिटरेट हो गए हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, मतलब कितना परसेंटेज क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ चेंज कितना आया है। तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना आया है, पहले कितने थे, 150, अब कितने हैं, 100, तो 150 - 100 कितना हो जाएगा, 50 लैक्स। तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना आया, 50 लैक्स। बेस में वो नंबर लेते हैं जो पहले थे, पहले कितने थे, 150, तो बेस कितना हो जाएगा आपका, 150 लैक्स। तो हमको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन में बेस मल्टीप्लाई बाय 100। तो अमाउंट ऑफ चेंज कितने का आया, 50 का, बेस कितना है आपका, 150, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आपका 100, तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसल, तो 5 से कट कर लो, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, तो यहाँ से हो गया हमारा 100/3, इसको कन्वर्ट कर लो तो 33 1/3% आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया हुआ है पॉपुलेशन, ठीक है, किसी सिटी की क्या दे रखी है, पॉपुलेशन दे रखी है। अब पहले कितनी थी, 25,000, अब ये जो पॉपुलेशन है डिक्रीज होके कितनी हो गई है आपकी, 24,500। तो हमको ये बताना है कि कितना डिक्रीज हुआ। तो सबसे पहले देखो अमाउंट ऑफ चेंज, मतलब पॉपुलेशन में कितना चेंज आया। तो देखो पहले कितनी थी आपकी, 25,000, अभी कितनी हो गई है, 24,500, तो आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 500, मतलब 500 लोग जो हैं या आपके जो पीपल है वो क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। तो हमको बताना है कि परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ। तो आपका बेस, मतलब पहले कितने थे,
25,000, तो बेस में कितना आ जाएगा आपका 25,000। तो हमको बताना है परसेंटेज डिक्रीज, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन में बेस मल्टीप्लाई बाय 100। तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना आया 500, बेस कितना है 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 25 2 50, तो मतलब 2% का क्या आया है, चेंज आया है। अब हम देखते हैं इस टॉपिक पे हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमको गिवन है अरुण बोट अ कार, मतलब एक कार है जिसको अरुण ने पहले कितने में ख़रीदा था, 3,50,000 रुपीस में। अब इस कार का जो नेक्स्ट ईयर है वो प्राइस कितना हो गया है, 3,70,000, तो मतलब जो प्राइस है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। पहले अरुण ने उसको कितने में ख़रीदा था, 3,50,000 में, जो उसका प्राइस इंक्रीज होके कितना हो गया, 3,70,000। अब हमको ये बताना है कि उसका जो प्राइस है वो परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ चेंज कितना आया प्राइस में। तो अभी कितना है, 3,70,000 माइनस पहले कितना था, 3,50,000, तो माइनस करो तो आपका कितना आ जाएगा, 20,000। मतलब जो 20,000 प्राइस है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। बेस में वो प्राइस लेते हैं जो पहले था, पहले कितना था, 3,50,000। अब हमको क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो ऊपर क्या रख दो आप, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, बेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100। तो चेंज कितने का आया, 20,000 का, अपॉन में पहले प्राइस कितना था, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे भी 20 से 20 कैंसिल, तो आपका कितना बचा, 200 अपॉन में 35, दोनों को 5 से कट कर लो, 5 4 20 0, 5 7 कितना हो गया आपका, 35, तो यहाँ से आया 40 अपॉन में 7, तो 7 5 35, 5 7, तो मतलब जो प्राइस इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, 5 5/7%। ये था हमारा टॉपिक इंक्रीज और डिक्रीजेस परसेंट। उम्मीद करता हूँ कि इसके सम्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।